नमस्ते, सुप्रभात आप सभी के। हैप्पी संडे, सुप्रभात सभी भाई बंधु के। ढेर सारा प्यार, नमस्कार। हर हर महादेव। सर्वेश मिश्रा महादेव भक्त किशन कुमार अनिल ए आर्या विनय यदुवंशी, आई लव यू ब्रो अनवी वर्मा, जय किशोर यादव, भाई यादव, राज अमरजीत, अमरजीत कुमार, शमसाद आलम, गुड मॉर्निंग ब्रो, शिवम कुमार, कट्टर हिंदू, आशु सिंह, सोनू कुमार, पूजा सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं वो सभी भाई के तहे दिल से शुक्रिया जे हमार आज जो गाना रिलीज भइल बा, नया सॉन्ग ककड़ी, ककड़ी सॉन्ग के अपना अपना फेसबुक आईडी पे जे भी पोस्ट किले बा और जे भी लिंक के साथ शेयर किले बा, वो सभी भाई के तहे दिल से धन्यवाद। काहे से कि ककड़ी गाना के और कोनो यूट्यूब पे न्यूज निखे डलाई और तो एकरा में विशेष सहयोग देवे खातिर सारा भाई लोग के, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं कि अगर गीत संगीत में मिजाज होके तो आप सबसे बड़ा प्रचारक कोई नहीं है। और आप लोगों ने, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग अपने अपने ही इंस्टा और आईडी और रील्स पे और फेसबुक पे पूरे सोशल मीडिया से अगर अपनी ताकत जनता लगा दे, जब आप लोग का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर क्या कहना है। और आप जैसा भाई जब साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं। और आज एक व्यक्ति विशेष का हम जिक्र कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। एक रोस्ट करते हैं YouTube पे जिनके चैनल का नाम है झंड जी, तो झंड जी का रोस्ट मैं कल देख रहा था। कोई बरतिया लफुआ लगा था पे उन्होंने किया था और भी दो तीन गानों पे। झंड जी आपको दिल से धन्यवाद, इसलिए कि आप एक ऐसे पहले YouTube पे बोलने वाले व्यक्ति हमको दिखे भोजपुरी, पूरे भोजपुरी भाषा में, कि आप सभी बातों को रखते हैं। अगर भोजपुरी में गाने कॉमेडी आए तो उसका भी न्यूज डालते हैं, गीत अगर थोड़ा अलग हो तो उसका भी न्यूज डालते हैं। आपके रोस्ट का मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं और अभिवादन करता हूं कि आपका रोस्ट करने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप दर्शकों को गुदगुदी देते हैं दिल में, उनको आपको आपको सुनने के बाद मन लगता है। तो झंड जी आपका, आपके चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। और एक ऐसे व्यक्ति हैं आप जो कि सभी का न्यूज, सभी कलाकारों का न्यूज, सबका न्यूज, हर एक पोस्टर, हर एक गीत जो मार्केट में क्या उपलब्धि है, उसका कैसे चल रहा है, भले उसके ऊपर आप मजाक ही करते हैं, रोस्ट करते हैं, बट अच्छा लगा मुझे। वैसे अगर कभी मूड सैड हो तो आपके सुनने में ज्यादा मजा आता है आपको, और आप इसी तरह विकास करते रहिए। मुझे अच्छा लगा और बरतिया लफुआ लगा था गाने को भी। आप लोग सारे गा में हम भोजपुरी पे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, लेकिन ये हम कहेंगे कि चलिए ठीक है, सबका अपना है। ककड़ी में शायद मुझे लगा कि ककड़ी सॉन्ग का लोग इंतजार कर रहे थे और इसको बहुत ज्यादा सारे यूट्यूबर भाई लोग इसलिए नहीं डाले कि इसमें उनको मसाला थोड़ा कम लगा, मसाला नहीं मिला, क्योंकि ये लोग मसाले के इंतजार में रहते हैं
अगर आप अच्छा कर देंगे, अगर आप वीडियो थोड़ा बेहतर बना दे, अच्छा काम कर दे, तो उसका प्रमोशन नहीं होता है, ये आपको ही पता है, हमें भी पता है। तो ये आप भी जानते हैं जो लोग लाइव में मुझे सुन रहे हैं, और ये मैं भी जानता हूं कि सिर्फ चिल्लाया जाता है भोजपुरी में, सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है। चाहिए सबको मसाला ही, हर यूट्यूबर को, हर न्यूज वाले को मसाले का इंतजार रहता है। मसाला किधर मिलेगा? वो मसाला जब दिखेगा तो मसाला पे न्यूज खूब डालेंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा गाना गा दिया, वैसा गाना गा दिया। और जब आप एक कॉमेडी सॉन्ग लेके आएंगे, जब एक अलग तरह के गीत लेके आएंगे, जब आप एक चीजों को अलग फेस करेंगे, उसके उस टाइम तो ऐसा लगेगा जैसे सबको सांप सूं गया है, कोई नहीं न्यूज डालेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गीत संगीत में अगर आप हैं और गीत संगीत को आप हर लेवल पे ट्रोल करते हैं या उसके ऊपर बात करते हैं, तो हर प्रकार की गीत संगीत के ऊपर बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। अब पर्सनली टारगेट भी कर देते हैं, मैं सजेस्ट भी कर देते हैं, और मैं तो बोलता हूं जब दो चार दस दिन एक सप्ताह पहले शायद खेसारी लाल यादव जी के परिवार के विषय में कुछ बातचीत हुई थी, तो मैंने बोला था, तो उसको लेके पूरा हाय तोबा मच गया, मेरे ऊपर बहुत सारे मैसेजेस तमाम आए। तो बस मुझे इस पे ज्यादा नहीं बोलना है, यही कहना है कि खेसारी लाल भाई अगर कलाकार है तो वो एक इंसान भी है, और सबको हक है अपना पारिवारिक जिंदगी अपने हिसाब से जीने का, सबको अपना जीवन जीने का हक है। उनके नाम से ही 50 लोग भले अपना घर चलाते होंगे, वो तो किसी के हिसाब से अपना घर नहीं चलाते, उनका घर कोई नहीं चलाता है, उनके घर उनके श्रोता भगवान चलाते हैं। तो फिर उनके परिवार के ऊपर गलत बोलना ये कहीं से उचित नहीं है, बस मैंने इतना ही लाइन को मैं समझा था। बट चलिए, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, सारे हो हल्ला के बीच में मैं ककड़ी सॉन्ग लेके आया, और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ककड़ी जब बाजी तो तहलका कके बाजी, ठीक बा, अभी थोड़ा मोड़ा माहौल अभी शुरू भइल बा, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमोशन उन सभी भोजपुरी के करोड़ों परिवार हैं जो मुझे अपने दिल में जगह देते हैं, जो मुझे अपना भाई मानते हैं, अपने घर का बच्चा मानते हैं, और मेरे गीत का प्रमोशन, मेरे चैनल का प्रमोशन, राकेश मिश्रा ओरिजिनल जो चैनल है उसका भी प्रमोशन मैं नहीं करूंगा, आप लोग ही करेंगे। क्योंकि ये एक भाई का आपसे निवेदन मानिए, अपनी जिम्मेदारी मानिए, और अगर थोड़ा सा भी जगह आपके दिल में मेरा होता होगा तो बस यही बोलूंगा कि जब कुछ मेहनत करके अच्छा चीज लाया हूं, अच्छे वीडियो शूट किया हूं, अच्छे से उसको प्रेजेंट किया हूं, तो सो प्लीज ये एक समय है जब आप लोगों को जवाब देना चाहिए कि जनता का भी पावर है, श्रोता समाज का भी अपना पावर होता है, और ये आप लोग ही कर सकते हैं। और जब ये आप कर देंगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि रियल में भोजपुरी भाषा से प्यार करने वाले कौन हैं, गीत संगीत सुनने वाले कौन हैं, गीत संगीत को रियल में अगर कोई सुनता है तो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो तो अपना घर द्वार चलाते हैं, उनको गीत संगीत से मतलब नहीं है, वो कभी किसी गाने बजाने पे दो पैसा खर्चा नहीं करते हैं। फिर भी आप लोग तो गीत बजाते हो, सुनते हो डीजे में, यहां वहां शादी ब्याह हर जगह, तो ओरिजिनल सुनवाइया आप लोग हैं। अमित मिश्रा भाई, मुकेश कुशवाहा जी, मुन्ना यादव, ब्राह्मण मंटू जी, अमित ठाकुर, भोला तिवारी जी, गोलू सिंह राजपूत, डब्लू मिश्रा यादव जी, हेलो डालमिया मिश्रा, थैंक यू, अभिषेक गुप्ता जी, सिंगर दीपक जी,
इस बार ककड़ी सॉन्ग आप सब के हाथ में है। आप सब इस गाने को जितना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, जितना दुलार दीजिएगा, उतना ही आपके भाई राकेश मिश्रा का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि आप हमेशा जब बोलते हैं कि भैया कुछ बड़ा हो, कुछ अलग हो, तो उसको हम लोग लेके आते हैं, लेकिन उसमें आप सबका भरपूर सपोर्ट और सहयोग भी चाहिए। सिर्फ बातें करने से, मैसेज लिख देने से, बोलने से नहीं होगा, उसको करके दिखाना होगा। देव भट्ट यादव जी, हम ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, ड्राइविंग मेरे ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी और मैं बैठा हुआ हूं, तो कृपया बिना नॉलेज क्या कुछ भी मैसेज न करें। स्वतंत्र राय, अतुल पांडे भाई, वीर ठाकुर, अभिषेक कुमार, चंदन यादव, अच्छा ककड़ी बजाएं, आओ बजाते हैं फिर देखते हैं ककड़ी का माहौल। What keeps us from finding the future? ककड़ी भाईल बे कमरी आए दादा, फुल कॉमेडी आए, दस में दो ले लीजिए, जवानी बन रही पानी भर रही, जवानी बन रही पानी भर रही, ले लो दस में दो। झंड जी भाई अगर मेरा लाइव देख रहे थे तो मैं उनको ढेर सारा बधाई देता हूं और उनकी तरक्की के लिए मैं दुआ करता हूं और वो खूब आगे बढ़ेंगे। मैंने बोल ही दिया, हो सकता है कि मैं लाइव में मैसेज में ना पढ़ा हूं। रोहित सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। पंकज जायसवाल, गीतकार विजय निर्दयी, राव साहब, जितेंद्र, सियाकांत कुमार कुशवाहा, विनोद कुमार जी, चंदन यादव, जितेंद्र दीवाना, थैंक यू सो मच। आइए गाने का आनंद लेते हैं, फिर बात आज होगी, हम लोग की बात होगी। दस में दो। अरे मैडम है ककरिया में दाम लगा ला छू दलू रहा तो भैया ये कितने की है ककड़ी? भैया 7 का 1, 5 का 2। फुल गाना राकेश मिश्रा ओरिजिनल पे आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चैनल पे जाएंगे तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो अपने भाई के साथ आप जुड़ेंगे, अपने भाई को प्यार देंगे और मेरा आत्मबल सारा उम्मीद तो आप ही लोग हैं, सब कुछ आप ही लोग हैं। शंभु शर्मा, विकास यादव, स्वीटी कुमारी, अच्छा आपको डांस करने का मन कर रहा है, सितेश कुमार, बिट्टू कुमार,
भैरू कुमार विनोद कुमार नशादवंशी बबुआ, थैंक यू सो मच। पासवान रॉकी राजा, राजेश यादव भाई, ब्रजेश राय, निखिल सिंह, दीनानाथ सिंह यादव, कृष्णकांत तिवारी, गुरु यादव, आर के पांडे, अरे जियो से सुपर कुमार, सूरज कुमार चंदुवंशी, सुबोध सूर्या। अरे भाई हम मुस्कुरा ही रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं कि कैसे आप लोगों को क्या ऐसा किया जाए कि मजा आ जाए। अब देखते हैं कि बस इतना तबाह कि अगर रउरा सब के आशीर्वाद मिल गई भरपूर तो ये बार तो ककड़ी 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 हो जाए, एकदम ककड़ी बेचाई। और आप ही लोग सब कुछ हैं, डॉक्टर चंचल दुबे जी, थैंक यू सो मच। जय जय माँ काली। बनारस में आपका जलवा कायम रहे। गौतम कुमार गौतम, अंजनी उपाध्याय, कृष्णकांत तिवारी जी, गजेंद्र यादव, लव यू टू भाई, राजा प्रताप यादव, थैंक यू सो मच, आप भी हीरो हैं। नीरज सिंह जी, श्रवण यादव, कन्हैया मंडल, राहुल तिवारी जी, राजा पासवान, रॉकी बाबू नमस्ते आपको भी, गौतम कुमार थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी शक्कर की ट्रेंडिंग पे चला जाए, और ट्रेंडिंग पे जाने के लिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। गीत संगीत है, अच्छा लगेगा जब आप लोगों को पसंद आएगा। और हाँ, गीत ट्रेंडिंग में आए अच्छा है, गीत बहुत बड़ा हिट हो, ये दोनों काम आप ही कर सकते हैं। मोनू मिश्रा जी, सिंगर शिवम लाल यादव, अरे भाई हमारे, तो ट्रेंडिंग में गीत लाइए और इसको पूरे इंडिया में फेमस कीजिए। हम कलाकार हैं, हमारा काम है गीत गाना, अच्छे से वीडियो शूट कर देना, चीजों को आपके सामने ला देना। अब सारी जिम्मेदारी आपकी, और मैंने तो पहले ही बोला कि भाई मेरे तेल मसाला वाले ज्यादा नहीं आगे पीछे हैं, जो हमारा बहुत ज्यादा न्यूज व्यूज बनाते हैं, वो करने वाले लोग हमारे टच में है ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा शायद उनको नहीं समझ में आता हूं। लेकिन मेरे लिए आप लोग विशेष हैं, और जब भगवान का आशीर्वाद हो, जब श्रोता जनता का आशीर्वाद हो, तो ठीक है। अभी 5 घंटे में गाना नहीं बड़ा ब्लास्ट होगा, 2 दिन बाद ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ आप लोग का भरपूर सहयोग चाहिए। ये एक अपने भाई का आप लोग निवेदन मानिए, या जो जितना आप मुझे प्यार करते हैं समझते हैं, अपने हर एक आईडी से राकेश मिश्रा ओरिजिनल चैनल पे जाइए, वहां से लिंक लीजिए, और हर एक आईडी से लिंक को शेयर कीजिए, रील्स बनाइए, जिसको जहां से जितना सपोर्ट हो सके अपने भाई को जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत आप सबका सपोर्ट और प्यार बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आगे आप लोग खुद मनीष दुबे जी, मुझे लगता है कि आईडी पे ये गंदा गाली वाली छोड़ दीजिए, नहीं देना चाहिए, और ये तो हरकत एकदम नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे कभी भी गंदे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करे तो अच्छा है, अगर बुरा नहीं लगे तो प्लीज। और मेरे आईडी पे तो ये डिंग डोंग जात पात दुनिया जहान नौटंकी, हम इनके हैं हम उनके हैं, नहीं प्लीज, ये सब क्षमा चाहती, ये सब करना हो तो आप हट जा सकते हैं मेरे आईडी से, मेरे आईडी पे ये सब मत कीजिए। वाल्मीकि पांडे भाई, राकेश कुमार जी, करण सिंह भाई, मोनू मिश्रा जी, धनजी चौबे, सिंगर शिवम लाल यादव, थैंक यू सो मच। बाबू जान नहीं देना है, बस प्यार दीजिए आप लोग, मुझे किसी का जान नहीं चाहिए, मुझे आप लोग का तहे दिल से बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। मनोज जयकर, अहिर ओम यादव, अमित सराफ, हाँ जिस, और एक बात कि जिस सोनू का चर्चा एक दो लोग मैसेज कर रहे हैं,
तो नालंदा के जो सोनू बाबू हैं उनका इंटरव्यू मैंने भी सुना और मेरे तरफ से भी जो मुझे करना था वो मैंने चीजों को लाइनअप करके मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। और उनको ढेर सारी बधाई कि हमारे बिहार में हर एक बच्चे के अंदर यही बात होनी चाहिए कि हालात कुछ भी हो, परिवार कुछ भी हो, घर कुछ भी हो, आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। जिस तरह आज सोनू के ऊपर सारी चीजें हो रही हैं, या सोनू अपनी, सोनू का एक अंदाज है बात करने का, वो एक अंदाज है और वो अंदाज ही सबको भा रहा है। तो सोनू जैसे हर घर में बच्चे हों और हर किसी की इच्छा हो कि मुझे यही करना है, इतना आगे बढ़ना है। कुलदीप यादव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बहुत ढेर सारा विशेष देता हूं नालंदा के जो सोनू बाबू हैं कि आप तरक्की करिए और बिहार में हर घर में बच्चे आईएएस आईपीएस अच्छे कलाकार हर चीज बनिए। आप जीवन की हर मोड़ पे हर तरह से मेहनत कीजिए, हर चीजों को फोकस कीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें अपना बेस्ट कीजिए, बस इतना ही है। आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपका फोकस अगर आपके वर्क पे होगा और काम कोई भी करे, सबसे बड़ा होता है जनता। गौतम कुमार जी, ककरी सॉन्ग जो है, पहले तो ये क्लियर हो जाइए माइंड में कि ककरी सॉन्ग आज सुबह रिलीज हो गया है राकेश मिश्रा ओरिजिनल। यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, राकेश मिश्रा ओरिजिनल जब लिखेंगे तो आपको सर्चिंग में आ जाएगा, तो आपको गाना भी मिल जाएगा, गाना सुबह ही रिलीज हो गया। शहजाद आलम भाई, मैं वही बोल रहा था कि जिस तरह से हम अपने विषय पे थे कि सोनू जो नालंदा के हैं, जिन्होंने एकाएक, और यही गट्स होना चाहिए, आप अगर गलत नहीं हैं या कुछ भी हो, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो गट्स होना चाहिए। सोनू के अंदर जो इस उम्र में गट्स दिखा कि उन्होंने अपनी बात को रख दिया, वो भले हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मीडिया हो, सबके सामने वो अपनी बात रखे कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये करना है। तो आपको जब करना है तो हो जाएगा, आपको जब करना है तो हो जाएगा। और हर घर में, हर विचारधारा में, बिहार में जिस दिन मुझे मनीष कश्यप जो है सन ऑफ बिहार पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार है, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उनका एक लाइन मुझे अच्छा लगा। उन्होंने, बल्कि उनका थोड़ा लैंग्वेज बोलने का अपना तरीका है, उन्होंने भोजपुरी कलाकारों के ऊपर कल कुछ बोला था शायद, लेकिन उनका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जब बिहार पूरे जातिवाद से उठ जाएगा, जब हर तरह से उठ जाएगा, जब सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली हम सोचने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम सक्सेस को सोचने लगेंगे, जब हम बिहार को बढ़ावा देने को सोचेंगे, वो चाहे कलाकारी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, आईएएस हो, अधिकारी हो, हर लेवल में बिहार बहुत आगे है और आगे और जाएगा। अगर हमारे यहाँ के लोग, या पूर्वांचल में या यूपी में, यूपी बिहार समतल एक एक भाई है, यूपी बिहार का एक रिश्ता एक भाई की तरह है जो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता है। तो दोनों जगह की तरक्की जो है वो इसी बात से ज्यादा है। और ये चीजें ये नहीं है कि आप सिर्फ आईएएस बन के ही साबित करेंगे, आप एक अच्छा गाना गाते हैं तो आप एक अच्छे गवैया बन के भी साबित कीजिए, आप अच्छा बजाते हैं तो एक अच्छा बजाने वाले भी आप दुनिया में कुछ भी करके अपना नाम बना सकते हैं। आज मनीष कश्यप की पत्रकारिता अलग है, तो आज उन्होंने पूरे बिहार यूपी पूरे भारत में अपना एक अलग नाम बनाया। मैंने झंड जी का चर्चा किया तो झंड जी ने अलग, उनमें एक अलग बोलने की काबिलियत है तो झंड जी ने अपना अलग नाम बनाया। तो जिसमें काबिलियत होगी वो भी तरीके से, इन लोगों ने अगर नाम बनाया है तो इन लोगों ने मुद्दे के ऊपर बात किया है, हर सोशल वर्किंग के ऊपर बात किया है, हर चीजों पे बात किया है। आज मैं अगर बोल रहा हूं आपसे कि ककरी गाने को आप लोग अपने अपने आईडी से सपोर्ट कीजिए, तो इस पे बहुत लोग मजे भी लेंगे, सारे लोग बोलेंगे अरे कुछ तो है नाटकीय पुत्र कुछ हुए हैं, तो पता चलेगा कि कुछ लोग तो ये ड्रामा शुरू करेंगे, अरे राकेश मिश्रा का गाना नहीं चल रहा है इसलिए वो देखो ना जनता से कैसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं,
कि मेरा गाना का प्रमोशन कीजिए, नहीं, बात ये नहीं है। गाना चलना नहीं चलना वो सब ईश्वर के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, आप सभी जनता के हाथ में है। लेकिन अगर गीत अच्छा है, अगर आपको लगता है कि वो हाँ अच्छा है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, तो करना चाहिए। क्योंकि जब जनता को आप, जनता जब खुद बोलती है कि भैया अच्छी चीजों को लाइए लाइए, तो जब आता है तो उसको जनता की जिम्मेदारी है सपोर्ट करना, प्रमोट करना। जब आप प्रमोट करेंगे तभी कुछ होगा। अगर अगर मान लीजिए कि सच तक न्यूज वाले अच्छा दिखाते हैं तो उनको प्रमोट कीजिए, उनकी बातों को रखिए। देश के कोई भी डिजिटल मीडिया हो, कोई भी यूट्यूबर हो, मैं बोलता तो हूं कि सभी यूट्यूबर अपने परिवार है, लेकिन तरीके से काम कीजिए। आप हर बात को रखिए, सिर्फ मसाला और चापलूसी करने से ही थोड़े आपका नाम हो जाएगा। उसके लिए आपको एक प्रखर व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपकी व्यक्तित्व में छवि होनी पड़ेगी, आपके अंदर एक बात होनी पड़ेगी। मोहन कुमार जी शुक्रिया, मैं भी आपका भाई हूं और बस आप लोगों का प्यार है। संदीप कुमार, दीपक यदुवंशी जी भाई, अभिजीत सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग मेरे लाइव को सुन रहे हैं। तो मेरा आज कहने का मतलब यही है कि वो चाहे गीत हो, संगीत हो, मीडिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, एंटरटेनमेंट हो, नॉन एंटरटेनमेंट हो, हर एक क्षेत्र को बढ़ावा देना, अच्छी चीजों को बढ़ावा देना, ये आपका काम है, जनता का भी दायित्व है। और आप ही सर्वोपरि हैं। हम लोग जीवन भर, जीवन का अंतिम सांस तक राकेश मिश्रा क्या करेंगे, बिना आपके एक कदम नहीं चल सकता हूं। इसलिए आप लोग भगवान, इसलिए बोला जाता है कि श्रोता ही भगवान है, श्रोता जो चाहेगा वही होगा। उत्तम गुप्ता जी, आप हमेशा मेरे दिल में है भाई, मेरे साथ रहिए, आप जहां भी हैं वहां अच्छा कीजिए। तो इसलिए आप सभी लोगों से चाहे राकेश मिश्रा का गाना सारे गामा हम भोजपुरी पे आए, चाहे किसी भी कंपनी पे आए, अगर गाने अच्छे हैं तो प्लीज उसको सपोर्ट दीजिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जब अच्छा होगा, जब आप बजाएंगे तो खुद ही 20 लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा होगा नहीं अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। हर चीज हर दिन ही आप बड़े नहीं हो जाते हैं, एक एक दिन का, एक एक दिन, एक एक मिनट मेहनत करना होता है। आज मैं ककड़ी के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि ककड़ी सॉन्ग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसको अगर आप लोग हर जगह से प्रमोट कर दें। सत्येंद्र यादव जी, धन्यवाद मेरे भाई कि आपने ये मैसेज लिखा कि आप सभी लोग अपने फेसबुक से इस गाने को प्रमोट कीजिए, फेसबुक से प्रमोट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, टीजर डालिए, इसके लिंक डालिए, इसके ऊपर रील्स बनाइए, डांस कीजिए, कॉमेडी बनाइए, सब कुछ करके मुझे टैग कीजिए। लेकिन आज एक इतना बड़ा परिवार है भोजपुरी परिवार, आपका भाई आप ही के बदौलत रहता है ना, नहीं तो आपको ही पता है कि राकेश मिश्रा को तो ऐसे ही लोग टारगेट करके बैठे हुए हैं, 72-36 का आंकड़ा रहता है, 90% लोग तो बस यही चाहते हैं कि राकेश मिश्रा किसी तरह से, बस राकेश मिश्रा की लाइफ बर्बाद हो जाए, राकेश मिश्रा को कैसे भी झूठ सांच प्रोपेगेंडा करके, नौटंकी करके, इधर का उधर बात करके, गलत सलत बोल के, मतलब एक तो ऐसा ही 90% मेरा न्यूज खाली बलगर ही बनाने में लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि राकेश मिश्रा झुक नहीं सकता है चाहे कुछ भी हो। आप लोग के बदौलत ना, अगर मैं स्टैंड रहता हूँ या मैं किसी भी तरीके से स्टैंड रहता हूँ तो ये आप जैसे भगवान के बदौलत रहता हूँ, आप जैसे भाई के बदौलत रहता हूँ, आप जैसे परिवार के बदौलत रहता हूँ, आप सभी के माँ बाप हम मुझे अपने बेटा जैसा मानते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दुनिया में कहीं भी मैं स्टेज प्रोग्राम करने जाता हूँ, कोई माँ ये पूछ के हमको रोटी नहीं खिलाती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा जात क्या है, वो सिर्फ बोलती है कि बबुआ रोटी सब्जी खा लेना। तो ये है हमारा परिवार, ये है हमारा भोजपुरी। डॉली देवी शुक्रिया सिस्टर, आपको आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार देते हो। नीलू निराला जी, सत्तो यादव, सिंगर दीपक देव शर्मा, बलराम शाह, सो प्लीज सभी लोगों से मैंने जितने भी बातें बोली इस लाइव में,
तो दो तीन चीजें जरूर ख्याल रखिए। एक तो सोशल वर्किंग पे कभी भी गाली गलौज मत कीजिए किसी भी कलाकार के आईडी पे, नहीं करना चाहिए। दूसरा कि सिर्फ आप कलाकार से प्यार मत कीजिए, उसको सपोर्ट भी भरपूर दीजिए। तो आप सभी लोग और जो आगे बढ़े, अगर हमारे यूपी बिहार में जो भी उन्नति करता है, जो आगे बढ़े उसको आगे बढ़ाइए, उसका टांग खींचिए मत, उसकी बर्बादी के लिए प्लान मत कीजिए। हम सभी यूट्यूबर भाई से भी निवेदन करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ अच्छा बोलने से एक अच्छे गीत को अच्छे तरह से मार्केट में लाया जा सकता है, सो प्लीज आप लोग एक इंसान बनिए। कब तक हैवान बने रहिएगा अपने दो पैसा कमाने के चक्कर में, कब तक इज्जत टूटते रहिएगा भोजपुरी भाषा का, कब तक ड्रामा कंपनी चलाते रहिएगा? नहीं भी चलाएंगे ड्रामा कंपनी, ऐसे भी आपको आपकी न्यूज को सब लोग सुनेगा देखेगा। आप सबके लिए बनाइए ना, सब तरह से बनाइए ना, देखिए आपको कितना प्यार देते हैं दुनिया के लोग। तो सभी लोगों को राकेश मिश्रा का ढेर सारा प्रणाम, और आप लोग मेरी हिम्मत हो, मेरी शान हो, मेरे भाई हो। ककरी सॉन्ग आया है और आपके भाई के चैनल से आया है, राकेश मिश्रा ओरिजिनल से। सो प्लीज आप सभी लोग अपने छोटे बड़े आईडी से जरूर पोस्ट कीजिए और इस गीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ले जाइए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। जय भोजपुरी, जय हो समाज।